टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। भारत सरकार से क्या कहेंगे? मेरी भारत सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से भी ये निवेदन है कि बचने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि रशिया फुल फ्लैश में वहाँ पे धमाल कर रखा है। भारत सरकार से अपील है कि उनको कैसे भी करके लाया जाए। अच्छा, सबसे ज़्यादा बमबारी कौन से जगह पे हो रही है वहाँ पे? खारकी बम कब किस पे गिर जाए कोई पता नहीं किसी को भी, क्योंकि वहाँ पे कोई मदद करने वाला नहीं था। क्या लग रहा था आप सुरक्षित घर पहुँच पाएंगे? सच बताऊँ तो नहीं लग रहा था, बम वगैरह गिर जाए तो वो हमारा नुकसान है, हमारी मौत होगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा। वो बंकर में सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ जान बचाने के लिए आपको जाना है। मैं हूँ फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। यूक्रेन के युद्ध में फंसे मुमरा के दो लाल, जिसको लेकर हमने पहले खबर चलाया था, और वो दो लाल मुमरा में अब अपने घर सुरक्षित पहुंच चुके हैं, जिसको लेकर जो ये युद्ध के दौरान ये दो लोग वहां फंसे हुए थे, जो तार इनका बातचीत का सिलसिला जिस तरह से टूट गया था, इनके आने की खुशी में जो है पूरे परिवार के लोग, भाई बहन, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, वो लोग जो है काफ़ी खुशी में, मतलब वो खुशी जाहिर कर रहे थे। एक अलग उमंग रही है देखने को, और यही कल तक मायूसी छाई हुई थी इन चेहरों पर, मायूसी छाई हुई थी क्योंकि इनका लाल यूक्रेन में फंसा हुआ था। यूक्रेन में जो जिस तरह से वो फंसे हुए थे, उसके बाद वो यहाँ आए, किस तरह के खुशियाँ हैं और क्या माहौल वहाँ का रहा है, किस माहौल में ये रहे वहाँ पर, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे आज। तो हमारे बीच जो है खान नौसाद, वो मौजूद है, हम उनसे जानेंगे। खान नौसाद साहब, ये बताइए आप कैसे आप बचाकर यहाँ तक पहुँचे हैं? जब माहौल जब शुरू हुआ था, तब हमें हमारी सिटी में सायरन बजता था कि जैसे सायरन हमारे साथ सायरन जब बजे, तब आपको बंकर हो जाते थे बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट में, तो अच्छा। वहाँ जाके आपको चुप जाना है, जैसी आवाज़ सुनाई दे कुछ नहीं करना है, सीधा भागना है। तो हम वहाँ पे दो दिन तो मतलब हम जैसे सायरन की आवाज़ सुनते थे हम चले जाते थे। अच्छा। फिर ये हुआ कि सायरन बच्चे हम चले जाते थे, लेकिन फिर लाइट्स वगैरह ऑफ कर देते घर की। फिर सुबह जब एक दिन ऐसा हुआ कि ये हम जब एक्सट्रीम बढ़ गया सब, तो यूनिवर्सिटी से हमने कहा कि हमें आप बस वगैरह करके दीजिए, तो हम यहाँ से निकल के एयरपोर्ट तक पहुँचे। लेकिन फिर हमारा जो कीव का एयरपोर्ट था, मेन हमारा जो कैपिटल है यूक्रेन का, वहाँ पे भी सब सिस्टम ख़राब हो गया था पूरा। तो हमें फिर ऐसा आया कि आप बॉर्डर पे चले जाइए, बॉर्डर क्रॉस करके फिर वहाँ से इंडियन एम्बेसी आपको आगे ले जाएगी, फिर वही आपको प्रोसेस देखेगी। लेकिन बॉर्डर तक जो करना था वो हमें अपने आप करना था, हमें हमारे बल पर करना था। तो फिर हमने बस का इंतज़ाम किया खुद, ना किसी ने कोई हेल्प नहीं की, हमने पैसा हमारे जेब से दिया। फिर वो रिस्क उठाया हमने जाने का, कि उसमें रिस्क था बॉर्डर पे जाने का, हमारा 5 घंटा था, लेकिन रिस्क ये था कि अगर कोई पकड़ ले या कुछ बम वगैरह गिर जाए तो वो हमारा नुकसान है, हमारी मौत होगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा। तो फिर हमने वो रिस्क लिया, हम बस से करके हम 20 लोग एक बस में, बहुत सारी बस थी उस दिन हमारे साथ, तकरीबन 15-20 बस निकली थी, क्योंकि सब कुछ लेवल बढ़ गया था। आपके साथ कितने लोग थे? मेरे साथ मेरे बस में 20 बंकर के अंदर जो आप बता रहे हैं, बंकर के अंदर ऐसा था कि बिल्डिंग्स के भी थे और जो बाकी जो स्टूडेंट्स थे जिनको मिल नहीं रहा था शेल्टर, वो भी हमारे बंकर्स में आ रहे थे। तो हमारे एक टाइम पे 300 थे हमारे एक टाइम पे, लेकिन फिर हाँ फिर जैसे जैसे मतलब जैसे सेकेंड डे आया तो उसमें 850 हो गए थे, 850। फिर बाद में तीसरे दिन जब हमने लीव किया तब 1200 हो गए थे, जब हमने छोड़ दिया था कि अब बंकर में नहीं रहना, अब यहाँ से निकलना है क्योंकि सिचुएशन खराब हो गई। तो सारे लोग एक साथ निकले थे वहाँ से? जैसे हम जो स्टूडेंट्स थे वो साथ में निकले थे अलग अलग बस में। कितने लोगों की टीम थी हमारी? कैसे 20 बस थी, एक बस में 25 जन थे, तो हम 20 बस में वैसे निकले, लेकिन हम उसके अलावा भी कुछ पहले निकल चुके थे स्टूडेंट्स, कुछ बाद में निकल चुके थे, टोटल 1500 स्टूडेंट्स थे। इतनी लंबी दूरी थी, मतलब जहाँ पे आप थे बंकर में थे, बंकर से फिर आप जो है अपनी हौसला दिखाया और बॉर्डर तक पहुँचने की कोशिश की, तो बहरहाल जो है आप कितनी दूरी थी वो आप बताइए। वो था मतलब बंकर से हमारा बॉर्डर जाना था 5 घंटे का, लेकिन बस हमें मिल नहीं रही थी, तो हमने कॉन्टेक्ट अपने करके बस की, फिर बस के हमने करके 20,000 ग्रीवन दिए थे, 20,000 इंडिया के हो गए 70,000 करीब। जी जी। तो 70,000 रुपये हमने 20 लोगों के दिए थे सिर्फ वहाँ तक पहुँचने का। 12 किलोमीटर चलना पड़ा था क्योंकि पब्लिक थी,
और प्लस ट्रैफिक थी तो वो लोग हमें आगे जाने नहीं दे रहे थे कि आपको मैं ही उतार देंगे, तो वो डिस्टेंस हमें बाय वॉक कवर करना पड़ा था उस ठंडी में। उस इस टाइम पे भी ठंडी -5 के करीब है और जब हम रुके थे तो -8 थी। अच्छा, खाने वगैरह का कैसा था? खाने वगैरह का कुछ नहीं था। हमने सोचा था कि बॉर्डर पे जब हम चले जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, हम क्रॉस कर लेंगे, लेकिन सिचुएशन इतना बिगड़ गया था कि वहाँ के लोग भी किसी को क्रॉस नहीं करने दे रहे थे। फिर बॉर्डर के लिए लाइन लगी थी, बहुत लंबी लाइन थी। वहाँ पे कैफे था बाजू में, कैफे में हमने एक रात तो निकाली, लेकिन एक रात में कैफे बंद कर दिया लोगों ने, किसी के लिए एंट्री नहीं है। फिर हमने रोड पे सोया, अपना रोड पे जो भी हुआ उस ठंड में हमने 4-5 दिन निकाल दिए। लेकिन और फिर जब बॉर्डर पे लाइन लगती थी तो हमें 20-20 घंटा खड़े रहना पड़ता था। अच्छा, बिना कुछ देखे, और उसमें अगर आपका लंबा नंबर आ गया तो वो आपका नसीब। जो इतना लगभग 6-7 दिन आप जो है वहाँ पे तकलीफ झेले, जो है तकलीफ का सामना किए, ये हिम्मत कहाँ से आई आपको इतना झेलने? ये सर ऐसा था, हिम्मत इस ऐसे आ गई क्योंकि एक तो हम थे और साथ में इतने स्टूडेंट्स थे कि उनको देख के बैठ थी कि सब कर रहे हैं कि हमें भी घर जाना है, क्योंकि वहाँ पे कोई मदद करने वाला नहीं था। हिम्मत ये थी कि आप खुद ही करना है, तो वो हिम्मत अपने आप आ गई। क्योंकि अगर कोई और होता कि कर वो कर देंगे तो हम वैसे बैठ रहे, लेकिन हमें खुद अपना ही। आपको क्या लग रहा था आप सुरक्षित घर पहुँच पाएंगे? सच बताऊँ तो नहीं लग रहा था कि सुरक्षित जा पाऊँगा, क्योंकि हालात बहुत ख़राब थे। बॉर्डर पे जो मिलिट्री थी वो भी आपकी सुन नहीं रही है, अगर आप आगे जाओ तो वो गन फायरिंग कर रही है हवा में, वो आपको पुश कर रहे, धक्का दे रहे, लड़का हो लड़की वो आप डजेंट मैटर, वो सीधा आपको धक्का देंगे, सीधा धक्का देंगे। मिलिट्री से हम कह रहे हैं कि हम लाइन लगा लेते हैं, हमें जाने दो, मिलिट्री नहीं सुन रही है कोई भी। वो अपने सिविलियंस जो उनके सिटीजन से उनको बॉर्डर क्रॉस करवा रहे हैं, बाकी जो फॉरेनर्स हैं उनको किसी को नहीं जाने दे रहे। बीच में जो है जब मैं खबर चलाया जो है आपकी, तो आपके पिताजी बड़े अब्बा वो कहने लगे कि कुछ दिन तक हमारा बातचीत का सिलसिला चल रहा था, फिर उसके बाद आपकी बैटरी डाउन हो गई थी। वो उस टाइम पे आप कहाँ फंसे थे, उस टाइम पे कहाँ थे आप? उस टाइम पे थे हम बॉर्डर पे, लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि चार्जिंग का भी तो कोई वो था नहीं, और हमारा नेट जो था फोन में वो बॉर्डर पे लोग नेट भी हमारा टोटल बंद हो गया था। फिर एक जगह वाईफाई मिला था वो भी सब बंद हो गया था। और कैफे में ऐसा था, कैफे में हम जाते थे चार्ज करने, लेकिन एक दिन उन लोगों ने हमें एंट्री दी, उसके बाद हम उन लोगों ने हमें एंट्री भी देना बंद कर दी। लगभग 6-7 दिन आप जो है यूक्रेन में फंसे रहे, उसके बाद आप जो है आए हैं, अभी फ़िलहाल अभी पहुँच ही रहे, लेकिन इस दरमियान वहाँ पर किस तरह का युद्ध चालू है वो सारी चीज़ें बताइए। लोग काफ़ी परेशान हैं, बेचैन हैं, टीवियों में तो देख रहे हैं लोग, तरह तरह के आ रहे हैं वीडियोज़ आ रहे हैं, लेकिन आपने हकीकत आँखों देखी वहाँ पर, देखा है आपके ऊपर सामने बीता हुआ है वो पल, वो जरा एक बार बताइए। युद्ध यहाँ, युद्ध वहाँ पे बहुत, मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ऐसा है कि बम कब किस पे गिर जाए कोई पता नहीं किसी को भी। हमारा कैपिटल है कीफ, जैसे मैंने बताया आपको, मुझे ये था कि कीफ में नहीं हुआ कुछ भी, लेकिन शुरू हुआ तो कीफ से ही हुआ, कीफ में हुआ। फिर टर्नोपिल हमारी जो मेरी सिटी है वहाँ पे इतना नहीं हुआ, वहाँ पे थोड़ा हुआ। फिर ब्लैक सी करके जगह है, मतलब बम गिर रहे हैं, लड़का हो औरत हो कोई भी हो, सूमी, खारकीव में तो जो एक खारकीव नया था, जो जैसे मैं कहता हूँ कल का खारकीव और आज का खारकीव, जमीन आसमान का फर्क है। और तो इन 6-7 दिनों में क्या खाया आपने? कुछ नहीं खाया, मतलब ठीक से कुछ भी नहीं खाया। और जैसे हम यहाँ थे बॉर्डर पे, तो बॉर्डर पे भी जो दिन निकले वो सिर्फ कॉफ़ी पे हमने दिन निकाला, कि वो भी नींद ना आए, क्योंकि अगर नींद आ गई तो फिर लाइन से निकल जाना पड़ता था, फिर वही 200 लोगों के बाद लाइन लगाओ, फिर आपका नंबर कब आए पता नहीं। तो वो 10-10, 20-20 घंटे हमें सिर्फ कॉफ़ी पे, हर 2 घंटे में हमने कॉफ़ी पी कि नींद ना आए। अच्छा, सबसे ज़्यादा बमबारी कौन से जगह पर हो रही है वहाँ पर? खारकीव, सूमी, जैसे सूमी बताया, खारकीव में वहाँ पर। अच्छा, खारकीव में सबसे ज़्यादा हो रहा है। और ऐसे कितने बच्चे अभी वहाँ फंसे होंगे? बच्चे वैसे तो बहुत फंसे, लेकिन जो हम जैसे निकल गए तो वो निकल कर जो रह गए ना, तो उनकी अगर हेल्प हो सके तो करो, क्योंकि उनका निकलना बहुत मुश्किल है इस टाइम पे। क्योंकि और देखा जाए तो सूमी में बहुत बच्चे फंसे हुए हैं, और क्योंकि उनके निकलने का भी कोई इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग जैसे अगर ट्रेन बुक कर दी तो वहाँ के लोग ही कह रहे हैं कि पहले हमें जाने दो, हम अपनी जान बचाते हैं, क्योंकि तुम तो निकल जाओगे, तुम फॉरेनर्स हो। लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है इस टाइम पर, जो बच रहा है वो बच ही जा रहा है, वरना मुश्किल है किसी का बचने इस टाइम पे। एक चीज़ ये मुझे बताइए, जिस टाइम ऐलान हुआ या मालूम पड़ा, आपको जानकारी मिली कि मतलब अब यहाँ पर युद्ध शुरू हो गया है रसिया का, लेकिन उस दरमियान आपको
आपने क्या ऐसी चीजें लेकर निकले थे घर से, कुछ ऐसी जरूरतें जो जरूरत की चीज आपके पास क्या रही होंगी उस समय? जरूरत की चीजें तो जैसे पासपोर्ट वगैरह था और मोबाइल था कि घर। तो ये कैसे ख्याल आया पासपोर्ट लेना चाहिए और ये लेना चाहिए, क्योंकि लोग तो काफी घबरा जाते हैं। वो इसीलिए सर, क्योंकि हमें ऐसा था कि जब आगे जाएंगे तो अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, जैसे अगर आप इंडियन हो तो क्या प्रूफ है भाई आप इंडियन हो, तो सबसे पासपोर्ट हमने रखा था कि पासपोर्ट के जरिए हम निकल जाएंगे। बहरहाल आप जो है घर पहुंच गए, लेकिन इस बीच जो है आप जब बॉर्डर से दिल्ली आए, इसमें जो भारत सरकार का जो सिलसिला रहा है आपके साथ तार जुड़ा रहा है, वो कितना सक्षम रहा है? जो बच्चे फंसे हुए हैं, मैं कह रहा हूँ उनके लिए और ज़्यादा करो, क्योंकि उनका निकलना बहुत मुश्किल है, सच कहूँ बहुत मुश्किल है। अगर भारत सरकार चाहे तो उनको बाइज्जत ला सकती है, और उनको मैं चाहूँगा भारत सरकार से अपील है कि उनको कैसे भी करके लाया जाए, क्योंकि अच्छा। वो बहुत मुश्किल में इस टाइम। और आपने ये भी सुन लिया है जिस तरह से उन्होंने वहाँ की हालात बताई है, कैसे कैसे बचकर लोग वहाँ से निकल रहे हैं, किस तरह से अपने घर पहुँच रहे हैं। तो देखिए ये जो है वहाँ की आंखों देखी हाल बता रहे हैं नौशाद खान, जिनका जो है जिनके लिए आंखें तरस गई थी। ये बड़े अब्बा हैं और ये अब्बा हैं उनके, नौशाद के आंखें तरस गई थी, यहाँ तक ये रो पड़े थे। उन ये जिस तरह से वहाँ फंसे हुए थे, तार इनका टूट गया था, बातचीत का सिलसिला टूट गया था, जिसके बाद जो है मीडिया से यानी हमसे बात करते करते रो पड़े थे। बहरहाल जो है हम उनसे भी जानेंगे अब उनके चेहरे पर कितनी खुशी है इस बात को लेके। क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह खुशी तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन मेरी इस खुशी से ज़्यादा और खुशी जब होगी कि बाकी के स्टूडेंट जो फंसे हुए हैं वो भी भारत में सुरक्षित आना चाहिए। इनके मेरे बेटे के साथ प्यारे जहान एक लड़का है, वो भी आया है, उनको मैंने थाना उनके घर पे छोड़ा है। वो किसके बेटे हैं? वो डॉक्टर एसएम सद्दीकी साहब के रिश्तेदार हैं। अच्छा। उनको मैंने थाना छोड़ा है उनके घर पे। और एक मेरे साले का पोता है जिसका नाम था सोहेब अबरार तनवर, उसको मैंने अभी अंधेरी छोड़ा है। अच्छा। और छोड़ते हुए मैं मेरे घर पहुँचा हूँ नौशाद खान को लेके, और मैंने प्रहार टाइम को ये इंटरव्यू दिया है। लेकिन मेरी भारत सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से भी ये निवेदन है कि किसी भी तरह जो सुम्मी खारकीव यूक्रेन के अंदर जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं, सुम्मी के अंदर तो बंकर के बाहर नहीं निकल रहे स्टूडेंट, उनके लिए पूरी कोशिश करो कि वो बाहर निकले बेचारे, क्योंकि हालात बहुत ख़राब है। मेरा बेटा बता रहा है, अभी मेरे को पर्सनली भी बताया गाड़ी में, कि हम लोग जो बच के आए हैं ये कोई बहुत बड़ा हमारे ऊपर कर्म हुआ, बाकी बचने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि रसिया फुल फ्लैश में वहाँ पे धमाल कर रखा है। कि ये जो प्रहार टाइम की न्यूज़ है, ये ऑल इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पे से न्यूज़ जा रही है, तो मेरे जो भारत सरकार के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली में जो बैठे हैं, राज्यसभा के मेम्बर है, और दोनों मेरे दोस्त हैं, और दोनों को मालूम है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने भी जो आउट ऑफ वे जाके जो जोर लगाया है और इन स्टूडेंटों को बुलाया है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। तो देखिए जिस तरह से ये ज़िंदगी और मौत के बीच से निकलकर ये आए हैं नौशाद खान और उनके पिताजी, उनसे भी हम पूछते हैं जो है अब क्या महसूस कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ इस टाइम पे। अच्छा, अल्लाह का करम है। आप काफ़ी उस दिन बहुत इमोशनल थे। उस दिन क्या हुआ, वो तीन चार दिन से बात नहीं हो पा रही थी। हाँ। तो टेंशन बढ़ गई, इसलिए थोड़ा बीपी हाई हो गया। भारत सरकार से क्या कहेंगे? मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने जो काम किया, मेरा बेटा बताया वैसे वो हिसाब से अगर ऐसा हुआ तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। जी, जो लोग वहाँ से आ रहे हैं, जो एयरपोर्ट पे हैं, उनके लिए भी फ़्लाइट बहुत लगी है, मेरा बेटा बता रहा था, तो इंशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। तो फिलहाल देखिए आप जो है 400 लोग फ्लाइट में थे जो इंडिया आए हैं, और इंडिया ये सबसे पहले दिल्ली उतरे हैं, वहाँ से फिर जो है मुंबई एयरपोर्ट आए, और फिर परिवार वाले जो है वहाँ पर से इन्हें रिसीव किया है, और इनके साथ तीन बच्चे थे, एक डॉक्टर सिद्दीक जो है काफ़ी मशहूर हैं, बच्चे के डॉक्टर हैं वो, उनके जो है रिलेशन में उनके रिश्तेदार का एक बच्चा था जो वो भी इन्हीं के साथ आया है। और जिस तरह से परिवार वालों का कहना है कि मेरा बच्चा तो आ गया है, लेकिन ठीक इसी तरह से भारत सरकार और कोशिश करे, जो लोग और जगह पे फंसे हुए हैं अलग अलग इलाकों में जहाँ से कोई निकल नहीं सकता है, उन्हें भी जो है किसी तरह से सुरक्षित यहाँ भारत लाया जाए। यहाँ पर एक चीज़ और मैं दिखाऊंगा, ये छोटे छोटे बच्चे, ये काफ़ी मायूस थे, अब क्या कहेंगे आप? अब कितने खुश हैं आप? आपके कौन लगते हैं? चाचू। चाचू लगते हैं आपके?
चाचू लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है काफी भारी तादाद में रिश्तेदार भी जमा थे, सोसाइटी के लोग भी जमा थे। एक ये भाई साहब है, हम इनसे भी जानते हैं, आप कितना खुश हैं? आप खुशी का तो आप पूछोगे तो उसका तो कुछ ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि ऐसी जगह से हमारा बच्चा निकल के आया है कि हम ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और भारत सरकार का भी करते हैं कि जिन्होंने बहुत मतलब कम टाइम के अंदर ये बच्चों को निकाल दिया, ये बहुत बड़ी बात है। बस भाई को देख के बहुत खुशी है और बाकी के बचे हुए बच्चे भी आ जाए तो अच्छा हो। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम टाइम में लाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत हालत ख़राब हो चुके और कुछ ज़्यादा ही हो चुके। कौन है आपके? चाचू हैं। अच्छा, चाचू के लिए क्या कहेंगे आप? तो देखिए ये छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है ये लोग भी काफ़ी आस लगाए हुए थे, बहरहाल ये आज यहाँ हैं। और इसी के साथ कैमरामैन अनिल के साथ फिरोज हाशमी मुमरा।